नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1TV का खास कार्यक्रम मुद्दा गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम राज्यपाल के बयान को लेकर मचे बवाल को लेकर। राज्यपाल ने पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने की बात कही, जिसे चुनाव आयोग ने दोषी माना है इस मामले में, और उन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की है बर्खास्त करने की बात कही है। और इससे पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं जब राज्यपालों ने सीमाएं लांघी है, चुनाव आयोग ने उनको बर्खास्त करने की सिफारिश की है, और गुलशेर अहमद को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा था। राजस्थान के राज्यपाल को भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, इस तरह का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीसी भंडारी जी, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट के, आप पार्टी के नेता भी हैं। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत है, बीजेपी नेता है, एडवोकेट है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भंडारी साहब, आपने पूरी लड़ाई को लड़ा है, क्या लगता है राज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्रालय को लिखा है कि इन पर कार्रवाई की जाए, उसके बावजूद भी अभी तक राज्यपाल अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है 1993 में, 1993 में गुलशेर अहमद को जो हिमाचल के राज्यपाल थे, अपने बेटे के प्रचार में दोषी पाया गया था, और जब उन्होंने चुनाव आयोग में उनकी शिकायत हुई, चुनाव आयोग ने उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की और उनको इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार क्यों अब जो है मोह छोड़ नहीं पा रहे? कल्याण सिंह जी, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है, आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला। देखिए, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 155 के तहत होता है, तो जब हमारा संविधान बना था उस समय इस बात पर बहस हुई थी कि सरकार निरंकुश हो, बाय द वे जनता के हक में, तो क्या किया जाए? तब युवा के लिए गवर्नर होना चाहिए सरकार के ऊपर, ताकि अगर वो निरंकुश हो तो वो कुछ डिसीजन ले सकें, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तब ये दूसरा प्रश्न ये आया कि अपॉइंटेड हों या इलेक्टेड हों। क्यों इलेक्टेड होंगे तो ये कई बार समस्या आ सकती है कि सरकार किसी और पार्टी की हो, गवर्नर किसी और पार्टी के हो, तो दोनों मतभेद रहेगा। तो ये विधान उसमें सभा में तय किया गया कि नहीं, अपॉइंटेड ही होना चाहिए, ताकि एक बिल्कुल निर्लिप्त व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाए, जो किसी पार्टी का सदस्य ना हो, जो किसी धर्म को, जाति वगैरह किसी आधार पर ना हो, उसकी नियुक्ति की जाए। इसलिए गवर्नर की जब नियुक्ति की जाती है तो अगर वो किसी पार्टी की होते हैं तो पार्टी छोड़ते हैं, उसके बाद में गवर्नर बनते हैं, ताकि जनता को विश्वास होता है, पूरे प्रदेश के पहले व्यक्ति होते हैं, अगर सरकार सही काम नहीं करती है तो जनता उनके पास जाकर जाती है और वहाँ राहत मिलती है। इससे प्रावधान किए गए थे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं कहता हूँ बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट है। अपने आप को भाजपा की पार्टी का कार्यकर्ता कर रहे हैं, भाजपा की जीतने की कामना कर रहे हैं, और मोदी जी चाहते दोबारा प्रधानमंत्री बने, ये अगर देने पद की गरिमा के खिलाफ है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। अगर ये करना था तो तुरंत जारी करना चाहिए। क्यों, इसके नुकसान क्या होंगे? देखिए, अगर आज नहीं रोका गया तो कल क्या होगा? कल ये फिर किसी पार्टी जाकर कोई भाषण दे सकता है, कल सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, वो कि मैं इस पार्टी का हूँ, ये पार्टी अच्छी है, इसको वोट दीजिए, हाईकोर्ट जज कह सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो ये रोकना बहुत जरूरी था। इससे मैंने सबसे पहले पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदय को, चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो हैं, कि इनको डिसमिस किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी भेज दी, रिकमेंडेशन भेज दी है। चूंकि राज्यपाल को हटाने का काम केंद्र का होता है, होम मिनिस्टर होम सेक्टर के तहत आता है वो, इससे राज्यपाल ने उस पर विचार करने के बाद में होम डिपार्टमेंट को भेज दिया है, अब होम सेक्रेटरी उसको तय करेंगे और उसके बाद में हटना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ गरिमा बनाए रखें और रिजाइन करें, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज जाए कि नहीं, हमारे गवर्नर अच्छे होते हैं, हमको विश्वास होना चाहिए। और इसलिए मैंने याचिका लगाई कि अगर नहीं करेंगे। भंडारी जी, आपकी भावनाओं की कद्र शायद होगी, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रपति जी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जिस तरह गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय भी इस मामले में बिल्कुल सोच रहे हैं, सकारात्मक है, और शायद हो सकता है उनका इस्तीफा हो। अशोक जी, आप किस तरह लेते हैं, क्योंकि पूरे मामले में कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचे को खुर्दबुर्द करने का प्रयास है, क्योंकि जिस संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना उनका धर्म था, कर्तव्य था, शायद वो भूल गए, और जो पार्टी से जुड़े हुए थे उस पार्टी के प्रचार प्रसार की बात उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक मंच से कही, जो सरासर कहीं ना कहीं गलत है। देखो नीरज जी, सबसे देखो ये बात आती है कि राज्यपाल का पद है, और राज्यपाल के पद के हिसाब से इसका उत्तर भी संवैधानिक रूप से होगा, कोई पार्टी उसका उत्तर नहीं दे सकती, उसका उत्तर क्या हो सकता है? क्योंकि राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, या सुप्रीम कोर्ट के जजों का, या अपने हाईकोर्ट जजों का, जो संवैधानिक रूप से जो पद है, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, वो संवैधानिक रूप से ही उसका उत्तर दिया जाएगा, और जो संवैधानिक उसका उत्तर आएगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जहां तक आप देश में आप देखो किस प्रकार से आप माहौल है, मोदी में माहौल है, इसमें तो कोई स्वाभाविक बात है, सब कुछ जगह सबको मालूम है, और कई स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं सारा पूरे राष्ट्र में किस प्रकार का माहौल है। नहीं, गवर्नर सही है क्या? राज्यपाल सही है क्या? पूनम चंद जी, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक रूप से राजनीति कर रहे हैं, सही है गलत है ये मत पूछिए। नहीं, आप बताइए कि संवैधानिक रूप से होगा, ये कोई नहीं, आप पार्टी को आप नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो बताइए सही कहा क्या उन्होंने, सही किया क्या? मैं खुद एक संवैधानिक रूप से उसका पालन कर रहा हूँ, एक पार्टी रूप से सही कहा क्या उन्होंने, बता दिया आप ये नहीं कह सकते कि आप सही किया गलत किया। अशोक जी, आप अधिवक्ता भी है, पार्टी से जुड़ना एक बड़ी बात है, लेकिन राज्यपाल का पद तो संवैधानिक है, क्या राज्यपाल एक पद पे संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की वकालत कर सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी पार्टी विशेष के लिए? क्या उन्हें संविधान ये अधिकार देता है? देख, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हैं उसी प्रावधान के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल एक खुद संवैधानिक नहीं, नहीं, है, वो सही है, उसका एक उत्तर नहीं, वो मान नहीं, आप के उत्तर आएगा, ये तो बता दो, पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं दे सकती, ये तो बताओ सही है, नहीं दे सकती, सही है जी, आप नहीं, ये तो बताओ गलत कर रहे हैं, मान करते हैं हम उस हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, शेखावत जी नहीं करते सम्मान, हम नहीं करते हैं, आप उन लोगों को बिठा, आप लोग सत्ता में बिठा दो, आप मुझे आप स्वयं इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, आप उठाइए क्या उठाइए, क्या बात कर रहे हैं, देश को अपमानित किया, देश को अपमानित किया, ये जानते रहे कि संवैधानिक पद पे संवैधानिक पार्टी के मेंबर नहीं है, पार्टी का क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि पाल के पद का सम्मान बताइए, व्यक्तिगत पार्टी का क्या स्टंट है, क्या वाकई में पार्टी, यदि राज्यपाल बन जाता है तो पार्टी का मेंबर कहां हुआ? नहीं है ना, बस कहां हुआ पार्टी का? सबसे बड़ा सवाल, अशोक जी सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी चाहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं पर जो बैठे हैं वो संवैधानिकता के तहत उनके जो होगा जो कार्रवाई प्रोसीडिंग होगी उसके तहत होगी, मैं कि हम नहीं कह सकते किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों नैतिकता, आप नैतिकता की बात करें या कुछ भी बात करें, हम तो संवैधानिकता की बात करेंगे, पद की गरिमा को गिरा दिया उन्होंने, आपके कहने से नहीं होगा, क्या होगा क्या है, पद की गरिमा गिरा रहे हैं, वो पार्टी पार्टी का मेंबर अपने आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने दोषी माना उनको, फिर क्या कहेंगे, चुनाव आयोग ने दोषी माना उनको, मैं कह रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं का हम सम्मान कर रहे हैं ना, अब चुनाव आयोग आ गया, राष्ट्रपति आ गया, तभी तो उसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि साहब उनको बारे में पार्टी कुछ कहे, हम तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें, हम क्यों कहें किस प्रकार की क्या बात आ रही है, देखिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग ने मान लिया, हम पार्टी राष्ट्रपति ने मान लिया, हम कहेंगे कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप इस बात की पैरवी करते हैं कि उनको पद पे बना रहना चाहिए? मैं कह रहा हूं हम तो कह रहे हैं जो संविधान के अनुसार होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसके हिसाब से कार्रवाई जो होगी जो होनी चाहिए, न कि कोई ऐसा नहीं कहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी क्योंकि हम संवैधानिक संस्थाओं का पालन करते हैं, आप कितना कहते हैं पूनम चंद जी, पूनम चंद जी आप मोदी जी को नहीं कहते चाकू देना चाहिए, आपने आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं खूब चीजें होती है, अशोक जी आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप संवैधानिक रूप से क्या जानते हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले 1993 में गुलशेर अहमद को अपने बेटे के प्रचार का दोषी पाया गया, वो भी राज्यपाल थे हिमाचल के, और उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, आपको लगता है इस मामले में भी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा? देखो मैं ये कह रहा हूँ 93 में कुछ जो हुआ जो बोला, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हम करें तो हम तो भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी के हिसाब से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि संवैधानिक रूप से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए पूनम चंद जी, आपकी पार्टी में खबर ये है, चिंता कीजिए जो पार्टी के लॉयल है, आप देखिए आप देखिए क्या देखिए संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी बिठा दिया जो उनकी चापलूसी करके आए हैं, पूरे जो पार्टी के प्रचार कर रहे हैं पूरा मोदी में हो रहा है, हो रहा है, तो राज्यपाल को इस तरह की बात बोलनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना कह रहा हूँ हम तो संवैधानिक संस्था है उनका हम सम्मान करते हैं, इसका उत्तर आपसे 5 बार जी, इसका उत्तर यही आएगा भंडारी जी, सीधा सीधा कहना है कि हम तो संवैधानिक संस्था हम सम्मान करते हैं क्योंकि ये इस मामले में ये कह रहे नहीं सम्मान करते हैं, अभी कंटेंट में क्या बात कर रहे हो, संविधान का तो सबको सम्मान करना पड़ेगा, कानून के पालन सबको करनी पड़ेगी, क्या नहीं होगा सभी करेंगे, क्या होगा आप कहते नहीं मानते, नहीं आप कहते नहीं मानते, हम तो सम्मान करते हैं, आप करना ही पड़ेगा ना भाई, वो संविधान में करना पड़ेगा हमारे को, क्यों नहीं करना पड़ेगा, कर रहे हैं हम तो, आप कहते नहीं करते, नहीं कर रहे हो आप संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं कर रहे हो, कभी ऐसे लोगों को भेज रहे हो, तभी ऐसे लोग गवर्नर आ रहे हो, तभी ऐसे लोग गवर्नर आ रहे हो, मतलब नहीं होता वो जो अपने पार्टी का मेंबर कह रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसका मैं कहता हूँ ऐसे गरिमा में पद का सम्मान किया जाता है, ऐसी गरिमा में रह चुके पद का सम्मान कर रहे हैं, एक मिनट को नहीं करना चाहिए। अशोक जी भंडारी जी, क्योंकि राज्यपाल है, संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो किसी भी पार्टी का
प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से कहीं ऊपर है जब भी वो राज्यपाल है। लेकिन कहीं कहीं राज्यपाल ने जो बयान दिया उसको लेकर चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है, राष्ट्रपति जी ने भी, गृह मंत्रालय को कार्यवाही के निर्देश दिया है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि कहीं कहीं भी संवैधानिक रूप से फैसला होना चाहिए। तो इस मामले में, क्योंकि जब पार्टी को भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए, अगर यही बात कांग्रेस पार्टी के शासन में होती तो फिर क्या रुक रहता, क्या फिर भी ऐसा ही रुक रहता। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने दोषी माना है और इसके बावजूद राज्यपाल अपने पद पर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक मान मर्यादा का मामला है। भंडारी जी, आप पूरे मामले को देख रहे हो, क्या लगता है जब 1993 में गुलशेर अहमद इस तरह के मामले में दोषी पाए जाते हैं और उनको तत्कालिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, राजस्थान के राज्यपाल को ऐसा क्या लगाव है, कैसा मोह है कि वो अपने पद पर बने हुए हैं, चिपके हुए हैं? देखिए, सुविधाएं इतनी मिलती है, मान सम्मान इतना मिलता है, तो पद को छोड़ने में बहुत तकलीफ तो होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो पद पर रहते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ इतना गरिमामय पद है, प्रोटोकॉल में प्रदेश में नंबर वन पे आते हैं, सीएम भी आएंगे सामने खड़े जाएंगे, जब तक गवर्नर नहीं बैठ जाएगा तब तक वो बैठ नहीं सकते हैं। इतना बड़ा पद जहाँ हर जनता को विश्वास रहता है गवर्नर के ऊपर, ये कहीं अगर सीएम हमारी बात नहीं मानेंगे, सीएम गलत काम करेंगे तो हम गवर्नर के पास जा सकते हैं, गवर्नर पे उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप देखिए, गवर्नर को फांसी सजा मिल जाए तो पार्डन का अधिकार होता है, रिकमेंड करते हैं, इतना बड़ा उनका होता है। अब अगर इस प्रकार से नहीं करेंगे तो लोग आगे देखें, आज मेरी पार्टी का नहीं है तो मैं इसका काम क्यों करूँगा, ये कांग्रेस का है तो काम नहीं करूँगा, कल कांग्रेस वाले आएंगे वो कहेंगे हमारी पार्टी का नहीं है, ये इसलिए बहुत जरूरी है। आपको लगता है राज्यपाल जैसे पद पर बैठे हुए लोगों को राजनीतिक पार्टियों से दूर, भले ही वो किसी पार्टी जुड़े रहे हो लेकिन उनको हम दूरियां बनाई रखनी चाहिए, अपनी पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए? अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अभी उनको पद पर बने रहने का हक है? देखो कि पूनम चंद जी ने हाईकोर्ट में लगाई है, उसके साथ में देखिए जिस प्रकार से देखा जाए, एक पॉलिटिकल इवेंट भी इसकी कोशिश की जा रही है कि सब इसको पॉलिटिकल रूप भी दिया जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक गढ़ा जाए। हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई राष्ट्रपति का पद है, उस राष्ट्रपति का पद है तो उस राष्ट्रपति के पद को हम जितनी भी जनता तो है ही है, उसके साथ में लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसको भी उसका मेंटेन करना चाहिए कि साहब उसके पद के ऊपर मत करें। यदि उसमें कोई प्रोसीडिंग की कार्रवाई चल रही है, एडवोकेट हो, बात सही है, हमारे ऊपर जारी मिल रही है, आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल इवेंट लेना चाहिए, पॉलिटिकल इवेंट लेकर के उसको गवर्नर पॉलिटिकल करे और राष्ट्रपति करे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कभी नहीं करने देंगे। आप कोई भी पार्टी हो, आज मान लो आपका पार्टी का कोई, लेकिन अशोक जी ऐसे कैसे खामोशी रह सकते हैं? हम अशोक जी ऐसे कैसे खामोश रहा जा सकता है? सम्मान वो नहीं कर रहे ना, संवैधानिक पद की गरिमा को खराब कर रहा है, संवैधानिक पद की संवैधानिक पद को गिराने का काम कोई करे और आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बात जुड़ जाइए, यहाँ पर ये चाहते हैं, ये राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट है, राष्ट्रपति ने आप पार्टी के नेता जरूर है, लेकिन एडवोकेट मंत्रालय को वहाँ से क्या रिपोर्ट आती, किस प्रकार की आती, उसका इंतजार कीजिए आप और उसके बाद में आप कीजिए साहब। भारतीय जनता पार्टी अशोक जी लगातार अशोक जी क्या ऐसे समय में सिर्फ खामोश रहना चाहिए था? अशोक जी, अगर सब आपके कहे अनुसार सब संवैधानिक पद को मानते हुए सिर्फ खामोश रहते तो शायद ये बात चुनाव आयोग तक भी नहीं पहुंचती, राष्ट्रपति महोदय तक भी नहीं पहुंचती और शायद वहां पर ये दोषी भी नहीं पाए जाते, क्योंकि सबको लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई बात नहीं करनी चाहिए हमको, फिर तो भी ये संविधान कहाँ बचेगा, कहाँ इसकी मर्यादा बचेगी, कहाँ संवैधानिक पदों की मर्यादा बचेगी? चुनाव के टाइम में ये कोई बात आती है, चुनाव से पूर्व कोई ऐसी कोई बात आती है तो उसका कोडेक्ट बना हुआ है, उस हिसाब से चुनाव आयोग भेजा है और भेजा। अब आप ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ प्रकार किस प्रकार पार्टी के रहे हो, आपने किया काम, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं भाजपा के मेंबर हूं, वो एक खुद राज्यपाल का पद है, राज्यपाल की गरिमा का पद होता है जो आज इस राजस्थान स्टेट गरिमा गिरा दिया तो पूरे देश के अंदर गरिमा लगातार गिर रही है, उसको उसका उत्तर उसी हिसाब से देना चाहिए। गरिमा गिर रही है लगातार कि ऐसे गवर्नर है आपने जो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता पार्टी का क्यों नहीं, कमाल की बात है, अगर कोई सरकारी अधिकारी होता
तो अब तक तो कार्रवाई होती है उसकी। आप तो नहीं, गवर्नर है, अलग चीज, पूरा देश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति भी करेंगे, मोदी में हम कार्रवाई करेंगे। मोदी ने सामरिक रूप से किस प्रकार से जो कार्रवाई की है, अरे कोई कारण नहीं है, मोदी अशोक जी कहीं कहीं करते हैं। अशोक जी कहीं कहीं लगता है कि आपका सही है कि अरे उनको हटाना, थोड़ी संधि हटाना के काम है और खुद राज्यपाल को पहल करनी थी। अशोक जी स्थिति देखिए, आप अशोक जी बात है, मोदी जी की अशोक जी क्या करेंगे इसके अंदर, वो नहीं है विदेश, अशोक जी भंडारी जी आपके गणेश अशोक जी गवर्नर क्या कर रहे हैं आपके, अशोक जी भंडारी जी कितना स्थान है रास्ता, आपको लगता नहीं है राज्यपाल मोदी को खुद को ही संवैधानिक जो है पद की गरिमा रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वो अब पार्टी के नेता नहीं है, अब वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो संवैधानिक पद पर है और इतने उम्रदराज है, इतना अनुभव है जितनी हमारी उम्र भी नहीं है। देखिए मैं और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर ही अपनी बात करेंगे और उसके बाद भी आपकी हम आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहे, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन जो संवैधानिक चीजें हैं उनका ख्याल तो सबको रखना पड़ेगा, या उसको मर्यादा को सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे हम लोग, मैं यही और खामोशी रख के चुप रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, एक्चुअली में गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, केंद्र सरकार करती है और राष्ट्रपति महोदय तो एक फॉर्मेलिटी साइन करते हैं, अपॉइंट तो करते हैं केंद्र सरकार, इसे डिसमिस करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही है। इसे मैंने याचिका जो लगाई है उसके अंदर मैंने केंद्र सरकार को और होम डिपार्टमेंट इनको दोनों को पार्टी बनाया है, चूँकि इनका काम ये है, हटाने का काम इनका ये है और प्रेसिडेंट साइन करते हैं उसके ऊपर, चूँकि प्रेसिडेंट सुमोटो भी डिसीजन दे सकते हैं। सुमोटो डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने गरिमा रखी कि नहीं ये काम गृह मंत्रालय का है, तो उन्होंने मैं कह रहा हूँ गवर्नर, मैं तो प्रेसिडेंट को सलाम करता हूँ, बहुत सही किया है, गवर्नर को भेज दिया उन्होंने, सॉरी गृह मंत्रालय को भेज दिया है, तो गृह मंत्रालय वो डिसीजन ले और वो साइन करते हैं। उनका उनका मतलब आप देखिए उनकी भावना समझिए कि राष्ट्रपति ने ये जो किया है इसलिए किया राष्ट्रपति महोदय ने कि गवर्नर खुद सोचें रिजाइन कर दें तो बेटर है बजाय ये कार्रवाई होने के, ये संदेश है उनका, अवसर दिया है उन्होंने अपने, ये संदेश है ताकि संदेश दिया ताकि वो स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दे ताकि बर्खास्तगी का तोहमत उन पर नहीं लग सके। ऐसी स्थिति में गवर्नर साहब को क्या करना चाहिए, क्या लगता है अशोक जी कि उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है राष्ट्रपति ने, चुनाव आयोग ने दोषी माना है, उन्हें एक अवसर मिला है, किस अवसर में सम्मानजनक तरीके से उन्हें खुद इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए। बता रहे हैं एक्चुअली में कह रहा हूं मैं केंद्र सरकार का है, अशोक जी मोदी चाहे तो दो मिनट हटते हैं। अशोक जी बोल रहे हैं, देखो नीरज जी पहले मैं ये बात को बता चुका हूँ आपको, जिस प्रकार से मान लो कोई भी स्टेटमेंट आता है पॉलिटिकल इवेंट के बारे में आता है और संवैधानिक पोस्ट पर कोई बैठा हुआ आदमी है, और संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी है तो पॉलिटिकल पार्टियों को उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको संवैधानिक रूप से कार्रवाई चालू हो चुकी है। बंद करें, आप बंद करें, कार्रवाई कार्रवाई होती नहीं, कार्रवाई में अगर पॉलिटिकल इवेंट लेना चाहे नहीं नहीं, अगर मैं इंतजार करना चाहिए आपका इंतजार करना चाहिए, नहीं नहीं आपको इंतजार करना चाहिए, आप नहीं अगर कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई, अगर इस विषय को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं उठाते, पीसी भंडारी नहीं उठाते तो शायद ये कार्यवाही भी नहीं होती, क्योंकि इस विषय को जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार उठाया, पीसी भंडारी जी ने भेजा, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। 23 मार्च का मामला था, 23 मार्च का स्टेटमेंट था, 26 मार्च को टीवी ने दिखा दिया और तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग पर हम भी नहीं टिप्पणी करेंगे, चुनाव आयोग तुरंत जांच करेगा ना, संज्ञान हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब हम नहीं करेंगे इसीलिए चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के जागरूक नागरिक के नाते किसी भंडारी जी का है पार्टी से आप चाहते हैं कि भेजी है अशोक जी, इसलिए जागरूक नागरिक के नाते जब चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने एक जागरूक नागरिक के नाते राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तुरंत ट्वीट किया और कहा कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक पद का जो है कहीं ना कहीं गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सचिन पायलट ने भी इस मामले में लिखा, इनकी जो पार्टी है दूसरों ने भी लिखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, कांग्रेस पार्टी ने खुद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और उसके बाद ही ऐसा रिएक्शन हुआ। अगर सब लोग खामोश रहते फिर अशोक जी कहां कैसे होता उनके खिलाफ, क्योंकि सब लोग सोचते राज्यपाल है हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। देखो भी यहाँ से जिस मामला जिस प्रकार से यूपी में हुआ है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, चाहे किसी की एप्लीकेशन के थ्रू लिया किसी के लिया, चाहे पूनम जी ने यहाँ लगाया या वहाँ लगाया वो बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो होगा कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में हो रही है, उसमें आप क्यों कर रहे हैं? यदि आपको चाहिए आप इसका इवेंट लेना चाहते हैं पॉलिटिकल इवेंट लेना चाहते हैं आप ले रहे हैं ना, आपने सही बात है चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, राष्ट्रपति ने कार्रवाई कर दी, विश्वास कीजिए ना आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे, आप इसका मतलब आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे, आप विश्वास कर रहे,
आपने कौन सी बात करी? राष्ट्रपति सही कह रहा हूँ, राष्ट्रपति ने रिकमेंडेशन दी है, जाना है, सब कुछ काम कर दिया है। सरकार चाहे तो एक मिनट का आवे, ये मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी को ऐसे लोग चाहिए जो उनकी पार्टी का प्रचार करें संविधान के बदलते हुए, वरना ये काम आपका ही है। देखिए ये काम आपका ही है, ये काम मोदी जी का है, मोदी जी का इशारा हो जाएगा अभी ध्यान कर देंगे वो। लेकिन मोदी जी बचा रहे हैं, मोदी जी बचा रहे हैं, और ये आपकी भाजपा जो कर रही है गलत काम कर रहे हैं। भाजपा के बच्चे बच्चे को, अशोक जी मैं आपको देश के बच्चे बच्चे को करना चाहिए। अशोक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, पेंडिंग पड़ा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, अब क्या कार्रवाई होगी भंडारी जी? क्या लगता है, आप क्या उम्मीद है, अब कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि गृह मंत्रालय कार्य बर्खास्त की आदेश करेगा या फिर क्या लगता है? क्या देखिए जिस तरह का कंडक्ट है उसके हिसाब से तो गृह मंत्रालय को अपनी रिकमेंडेशन भेजी जाइए कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, और राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे, करना पड़ेगा उनको साइन। ये तो जब ग्रहण तो अगर ये वो तो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करते हैं तो समझिए भाजपा को बहुत नुकसान होने जा रहा है। ये बच्चा बच्चा आज कह रहा है, ये हो क्या रहा है, गवर्नर हमारे साथ ये, मैं कह रहा हूँ इनको भी पार्टी से अलग हट करके ऐसे जो चाहे गलती की हो चाहे कैसे भी कहो तुरंत हटाने की डिमांड करनी चाहिए। इससे छवि बनेगी देश के अंदर, हम प्रदेश में रहते हैं, आज इन्होंने किया है कल राष्ट्रपति महोदय करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? अपन अपने संविधान की ताकत दी हमारे कुछ बात की, हम किसी आदमी को गलत काम नहीं करने देंगे, गलत करेगा वो भुगतता है, चाहे लॉ से ऊपर कोई नहीं है, कानून के सब नीचे नीचे कानून के नीचे ही है। तो जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहकर उनसे ज्यादा ज्यादा उम्मीद कहती है, नहीं उनसे ज्यादा उम्मीद कहती है कि वो कानून की पालन ज्यादा करें, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप सम्मान कीजिए राष्ट्रपति का, आपने सम्मान किया ना, कर रहे आप, हम सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने बहुत सही काम किया, ये करना चाहिए, सम्मान का मतलब करें, गलत करें तो बता सकते, पॉलिटिकल इवेंट ले रहे, पॉलिटिकल इवेंट ले रहे हैं, कब ले रहे, आपका देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, अशोक जी भंडारी कर्तव्य ही है। अशोक जी भंडारी ऐसा नहीं है कि सम्मान के चक्कर में हम खामोश रहें, संविधान की जो मर्यादा तार तार होती रहे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसका दुरुपयोग करते रहे और हम चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं भंडारी जी की पहल काम आई और चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती बरती, राष्ट्रपति जी महोदय ने इसको गृह मंत्रालय को भेजा, आप दोनों मुद्दाग्रह में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीसी भंडारी जी और अशोक शेखावत जी, जिनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं राज्यपाल ने संवैधानिक पद की गरिमा गिराने का प्रयास किया है और राष्ट्रपति ने भी सही फैसला किया है और उनके फैसला का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी राज्यपालों को चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया तो पद से हटाया है, और ऐसी ही उम्मीद राजस्थान में भी की जा सकती है।